हेलो एवरीवन, आई एम मुइदैम सिद्दीकी और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा सेल्स मिक्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस और सेल्स क्वांटिटी कंट्रीब्यूशन वेरिएंस। अच्छा, अब ये एक सवाल है मेरे सामने ACCA F5 के पास्ट पेपर से, क्लियर कंपनी के नाम से। यहाँ पे ये सवाल की पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। बिफोर आई कंटिन्यू, आई वुड लाइक के जो है ना, मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि मैं आगे इसमें प्रोसीड करूँ अपनी एक्सप्लेनेशन के साथ, मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल को एक मरतबा पढ़ लें। तो जब आप ये सवाल एक मरतबा देख लेंगे, ये वीडियो पॉज करके, मेरा कहने का मतलब है ये वीडियो को पॉज करें और इस सवाल को आप एक मरतबा पढ़ लें। तो जब आप एक मरतबा इस सवाल को पढ़ लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके एक मरतबा इस सवाल को पढ़ लें। ओके देन, मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। अच्छा, अब जब आपने इस क्वेश्चन को रीड कर लिया है, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको निकालना है सेल्स मिक्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस और सेल्स क्वांटिटी कंट्रीब्यूशन वेरिएंस। बहुत आसान है। इसमें क्या है कि ये एक टेबल गिवेन है आपको, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवेन है एक टेबल में दो प्रोडक्ट्स के बारे में, RLE और ICL। ठीक है, इसी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए ओवरऑल हम क्या करेंगे, सेल्स मिक्स कंट्रीब्यूशन और सेल्स क्वांटिटी कंट्रीब्यूशन वेरिएंस मालूम करेंगे। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट हैं RLE और ICL। अच्छा, अब इसमें जब हम मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। देखें, एक तो यह है कि एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल, यानी कि जो एक्चुअल क्वांटिटी है, एक तो हम जो है वो एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स ले लेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स। इसका मतलब क्या है, इन एक्चुअल मिक्स यानी कि वो एक्चुअल क्वांटिटी जो एक्चुअल क्वांटिटी है एक्चुअल मिक्स के लिहाज से, यानी कि जो एक्चुअल क्वांटिटी है इन दोनों की, एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स जो है ये क्या है, एक्चुअली के जो एक्चुअल क्वांटिटी है, जो असल क्वांटिटी है जो दोनों की, जो असल जो प्रोडक्शन और सेल हुई है, एक्चुअल में जो प्रोडक्शन और सेल हुई है कितनी हुई है, 4130 RLE की हुई है और ICL की 960 हुई है, और ICL की 960 हुई है। तो ये दोनों हम ले लेंगे, ये कहलाएगी एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स, यानी कि ये एक्चुअल क्वांटिटी ही है जो एक्चुअल हमारी सेल और हुई है और प्रोडक्शन हुई है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है, इसको एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स कहा जाएगा यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, ये है समझने वाली चीज, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब ये है कि जो एक्चुअल टोटल क्वांटिटी है, यानी जो एक्चुअल क्वांटिटी का दोनों का टोटल है, ये यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ इन दोनों का टोटल, ये 5090। अब ये जो एक्चुअल क्वांटिटी है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है 5090, इसको हमें स्टैंडर्ड मिक्स, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड मिक्स जो एक स्टैंडर्ड कंपनी ने जो सेट किया था कि भाई हम, हमारा जो प्रोपोर्शन होगा सेल्स का, सेल्स का जो प्रोपोर्शन होगा, जो स्टैंडर्ड होगा सेल्स का, स्टैंडर्ड मिक्स होगा, उसके लिहाज से ये टोटल क्वांटिटी उसको डिवाइड करेंगे हम अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड मिक्स। इस एक्चुअल टोटल को हम डिवाइड करेंगे, स्प्लिट करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड मिक्स। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि स्टैंडर्ड मिक्स क्या होगा। देखें, हम निकालते हैं इसमें बजटेड क्वांटिटी, आप देखेंगे इसकी ना बजटेड क्वांटिटी दोनों की क्या है, देखेंगे बजटेड क्वांटिटी ये है, RLE की बजटेड क्वांटिटी कितनी है, 3750, 3750, और इसकी आप देखें बजटेड क्वांटिटी कितनी है,
ICL की, इसकी है 1320, ये इसकी बजटेड क्वांटिटी है। तो ये यहाँ पे कहलाएगी बजटेड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स कह सकते हैं इसको, या इसको बजटेड क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बजटेड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स या बजटेड क्वांटिटी इन द बजटेड मिक्स। तो देखिए ये आपकी बजटेड क्वांटिटी है, अब इसका आप टोटल लें, ये इसका टोटल आ गया। अच्छा अब जब ये इसका टोटल आ गया ना, आप देखें कि ये जो टोटल है 5070, इस टोटल में 3750 कितना परसेंट बन रहा है देखते हैं। ये लिया हमने, इसको हमने डिवाइड किया 5070 से, इसकी परसेंटेज बन रही है तकरीबन 74%। ठीक है, तो इसकी बन रही होगी तकरीबन कितनी, 26%। हाँ देखें ये बन रहा है आपका 26% और ये बन रहा है आपका 74%। तो ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड मिक्स है आपके पास, यानी कि अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सेट बाय द कंपनी जो सेल होगी, सेल 74 और 26 के प्रोपोर्शन में होगी, यानी कि जो कंपनी ने एंटिसिपेट किया एक तरह से अकॉर्डिंग टू द बजट, कंपनी ने ये अंदाजा लगाया या कंपनी ने ये बजट किया है कि 74% जो टोटल सेल होगी उसकी 74% RLE की सेल होगी और 26% ICL की सेल होगी। अगर इसके लिहाज से हम एक्चुअल क्वांटिटी को डिवाइड करें तो देखें ये कितना बनेगा, ये देखें 3765, या इसको डेसिमल प्लेसेस में यहाँ पे 2 डेसिमल तक ले लें, 3764। ठीक है, अच्छा अब इसको आप इसका 26% ले लें, इसका जो है ना, इसका आप जो है वो 26%, ये आप इसका ले लें 26%। अब आपने इसका 26% ले लिया, ये इसका 26% लिया, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स आपके पास ये हो गई, एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स आपके पास ये हो गई, अब बजटेड क्वांटिटी ये हो गई। ठीक है, अच्छा स्टैंडर्ड मिक्स में दोबारा बता दूं कि स्टैंडर्ड मिक्स हमने कैसे लिया है, कि हमने बजटेड क्वांटिटी का की परसेंटेज ली है, जो टोटल है यानी कि इन दोनों की जो जो बजटेड क्वांटिटी है इसको हमने टोटल किया तो ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द बजटेड टोटल 74% जो है RLE होगा और 26% ICL होगा। अगर इसके लिहाज से हम एक्चुअल क्वांटिटी को डिवाइड करें तो एक्चुअल क्वांटिटी ये बन जाएगी। ठीक है, तो अच्छा अब हम देख लेते हैं, अब हम निकाल सकते हैं इससे वेरियंस, लेकिन वेरियंस निकालने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, हमें दोनों प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, जो बजटेड हमारे पास जो सेल है और वेरिएबल कॉस्ट है। देखें बजटेड सेल हमारे पास कितनी है, RLE की बजटेड सेलिंग प्राइस है 3000, 3000 में से 600 लेस कर दिया तो आ जाएगा हमारे पास 2400। ठीक है, और ये हम कैसे निकाल लें, ये जो हमारे पास जो बजटेड सेलिंग प्राइस है और बजटेड वेरिएबल कॉस्ट है दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, और ICL की आप देखें कि बजटेड सेलिंग प्राइस कितनी है, 3650 है, इसमें से 1150 को माइनस कर देंगे, माइनस 1150, तो ये 2500 इसका स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अच्छा अब हमें निकालनी है सेल्स मिक्स कॉन्ट्रीब्यूशन वेरियंस। सेल्स मिक्स कॉन्ट्रीब्यूशन वेरियंस आप कैसे निकालेंगे, कि आप लेंगे डिफरेंस एक्चुअल क्वांटिटी का और एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन से, तो ये आ गया हमारे पास। बिल्कुल इसी तरह इसमें
भी इसी तरह से करेंगे कि एक्चुअल क्वांटिटी लेंगे और एक्चुअल क्वांटिटी को हम माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स से, ठीक है। इन दोनों का हम लेंगे डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके देन, अच्छा आगे चलते हैं। अब क्वांटिटी वेरिएंस, सेल्स क्वांटिटी कॉन्ट्रीब्यूशन वेरिएंस, सेल्स क्वांटिटी कॉन्ट्रीब्यूशन वेरिएंस। अब देखें सेल्स क्वांटिटी कॉन्ट्रीब्यूशन वेरिएंस के लिए हम किन दो का डिफरेंस लेते हैं, इन दो का लेते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स और बजटेड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे। तो देखें एक्चुअल क्वांटिटी ये है हमारी, एक्चुअल में से मैंने इसको माइनस किया और फिर मैंने इन दोनों का लिया डिफरेंस। इन दोनों का मैंने लिया डिफरेंस और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन से, 35,503 आ रहा है। अच्छा बिल्कुल इसी तरह जो है यहाँ पे भी क्या करूँगा, मैं इन दोनों का मैं लूँगा डिफरेंस और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन से, तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखें जहाँ जहाँ पे प्लस का साइन है, जहाँ जहाँ पे प्लस का साइन है यानी कि माइनस का साइन नहीं है, वहाँ वहाँ पे वहाँ वहाँ पे वेरिएंस क्या है, वहाँ वहाँ पे वेरिएंस जो है वो हमारे पास है फेवरेबल। देखें जहाँ जहाँ पे प्लस का साइन है वहाँ वहाँ पे वेरिएंस हो जाएगी हमारी फेवरेबल और जहाँ जहाँ पे माइनस का साइन है वहाँ वहाँ पे वेरिएंस हो जाएगी एडवर्स। ये एडवर्स वेरिएंस है, ये एक फेवरेबल वेरिएंस है, ये फेवरेबल वेरिएंस है, ये भी फेवरेबल वेरिएंस है, ठीक है। तो ये इस तरह से है, हाँ। तो बस इसमें जो है वो समझने वाली बात एक तो ये है कि जो स्टैंडर्ड मिक्स निकाला है ये कैसे निकाला है, ये बजटेड क्वांटिटी की बेसिस पे हमने निकाला है, स्टैंडर्ड मिक्स टोटल बजटेड क्वांटिटी ली और उसमें हमने देखा कि किस प्रोडक्ट की कितनी बजटेड क्वांटिटी है। हमारे पास आरएलई की जो है 3750 है, तो जो आरएलई की क्वांटिटी है उसको टोटल से डिवाइड कर दिया तो परसेंटेज 74 बन गई, फिर आईसीएल की जो क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर दिया टोटल से तो परसेंटेज 26% बन गई, ठीक है। ये है, अब देखें ये है, ये है आपके पास ये, अब इसको चाहें तो हम जस्ट वेट अ मिनट, बेहतर ये कि इसको अकाउंटिंग नंबर्स में हम चेंज कर लें। ये देख सकते हैं आप, अब इसको मैंने प्रॉपर इसको अरेंज कर दिया है और ये आ गया, ये इस तरह से देखें स्टैंडर्ड मिक्स क्या है, हमारे पास 74% है, तो हमने जब एक्चुअल क्वांटिटी को डिवाइड किया स्टैंडर्ड मिक्स अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड मिक्स, तो हमने टोटल एक्चुअल क्वांटिटी का जहाँ पे 74% ले लिया, जहाँ पे 26% ले लिया। ये स्टैंडर्ड मिक्स हमने कैसे कैलकुलेट किया था, मैं बार बार बता रहा हूँ, हमने किसकी बुनियाद पे कैलकुलेट किया, हमने बजटेड क्वांटिटी की बुनियाद पे कैलकुलेट किया, कि हमने टोटल बजटेड क्वांटिटी में देखा कि आरएलई की क्वांटिटी कितनी है और आईसीएल की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। चलें तो ये था मेरे पास जो है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ACCA के पास्ट पेपर से, और ये क्वेश्चन लिया मैंने मार्च जुलाई 2020 के पास्ट पेपर से। चलें अच्छा अब आगे देखते हैं हम, इसके अंदर एक चीज और है, एक इसका पार्ट और है, एक्सप्लेन व्हाट ईच ऑफ द सेल्स मिक्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस एंड सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस मेजर्स।
मतलब कहने का ये कि सेल्स मिक्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस से और सेल्स क्वांटिटी कंट्रीब्यूशन वेरिएंस से हमें पता क्या चलता है। सेल्स मिक्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस की बात करते हैं। देखें सेल्स मिक्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, सेल्स मिक्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस से हमें ये पता चला कि जो टोटल जो हमारी एक्चुअल सेल है ये 5090, ये जो हमारी एक्चुअल सेल है, अब ये सेल अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड मिक्स नहीं है। जो स्टैंडर्ड मिक्स जो कंपनी ने बजट में सेट किया था उसके अकॉर्डिंगली ये नहीं है। इसका जो एक्चुअल मिक्स है वो स्टैंडर्ड मिक्स से डिफरेंट है। तो इसकी वजह से, इस चेंज की वजह से, स्टैंडर्ड मिक्स चूंकि एक्चुअल मिक्स के बराबर नहीं है, इस डिफरेंस की वजह से कितनी वेरिएंस अराइज हुई, कंट्रीब्यूशन पे क्या फर्क पड़ा, कंट्रीब्यूशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका, ये हम मेजर कर रहे हैं सेल्स मिक्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस से। सेल्स क्वांटिटी कंट्रीब्यूशन वेरिएंस से हम मेजर कर रहे हैं कि जो हमारी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है वो बजटेड क्वांटिटी से डिफरेंट है। तो इस डिफरेंस की वजह से, एक्चुअल क्वांटिटी के और बजटेड क्वांटिटी के डिफरेंस की वजह से कंट्रीब्यूशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, वो कहाँ से मेजर हो रहा है, वो सेल्स क्वांटिटी कंट्रीब्यूशन वेरिएंस से मेजर हो रहा है। ठीक है, तो ये बातें हैं इसके अंदर, इस सवाल के अंदर ये समझने वाली चीज है। तो इसको अगर आप इस क्वेश्चन में, चूंकि ये क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर का है, तो अगर आप एक एक लाइन भी लिख देंगे इसके ऊपर सही से, तो आई थिंक इट शुड बी इनफ टू गेट यू 2 मार्क्स। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इट वॉज मुहीद अहमद सिद्दीकी। आई एम अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आप चाहें तो आप अपना कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझसे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या किसी किस्म की आपको असिस्टेंस चाहिए ACCA के एग्जाम्स में, ICMA के एग्जाम्स में, तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।